ज्वालामुखी विकास सभा ने ज्वालामुखी उपमंडल के सभी अधिकारियों को उनके कार्य के लिए सम्मानित किया है। ज्वालामुखी विकास सभा दिल्ली के प्रधान अमर चंद कमल और कोषाध्यक्ष सुरेश कुमार ने एसडीएम कार्यालय ज्वालामुखी में कोविड-19 में उपमंडल में वॉरियर्स की तरह अपना दायित्व निभाने के लिए एसडीएम ज्वालामुखी अंकुश शर्मा, डीएसपी तिलकराज, प्रदेश कौशल विकास निगम के निदेशक मुनीश शर्मा को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सर्वप्रथम मैं ज्वालामुखी विकास सभा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो ये आज इन्होंने ज्वालामुखी क्षेत्र के लोगों को जो समाज सेवा में संलिप्त हैं उनको सम्मानित कर रहे हैं। इस सम्मान हेतु उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सरकारी तंत्र और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस आपदा के समय में वो हर उस जरूरत का समाधान कर रहे हैं जिसकी हम सबको आवश्यकता है। इस बीमारी से बचने के जो सरकार द्वारा तय नियम हैं, मानक हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखना है और जहाँ पर आवश्यकता ना हो वहाँ पर जाने की कोई ज़्यादा उत्सुकता ना दिखाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। यही समय हम सबको करना होगा और यही इस बीमारी से निपटने के लिए हमारा समाज के प्रति योगदान। सभा के महासचिव राकेश चंद्र ने कहा कि सभा के द्वारा सीमा संख्यान अध्यक्ष बिटिया फाउंडेशन शिमला, नितिन कुमार बीडीसी कथोग, आर्किटेक्ट अनूप धीमान, ग्राम पंचायत लुथान के प्रधान सरोज कुमारी सहित कई लोगों को डिजिटल प्रशस्ति पत्र से भी नवाजा है। ज्वालामुखी विकास सभा 2 वर्षों से निरंतर हिमाचल और दिल्ली में जरूरतमंद लोगों के लिए काम करती आई है और दिन रात उनकी सेवाओं में जुटी है। कोरोना संक्रमण में भी ये संस्था सभी के लिए जरूरत का सामान मुहैया करवा रही है। विकास सभा ने पीएम केयर फंड में 31,000 का योगदान दिया है और इसका मकसद जो है सभा का यही है कि अपनी जनता की सेवा करें यहाँ पे। और जनता जो कई चीज़ों का पता नहीं है, जनता को जागरूक करना जो है यही हमारा ध्येय है। कई स्कीमें हैं सरकार की जो कि जनता को पता नहीं है, तो हम चाहते हैं कि जनता को सारी स्कीमें बताई जाएँ ताकि वो जनता उसका फ़ायदा उठा सके। दूसरा ये है कि जो गरीब जनता है उसको भी हमें ये करना चाह रहे हैं, हेल्प करना चाह रहे हैं। अभी पीछे हमने मैंने अपनी 1 महीने की जो पेंशन थी वो भी सीएम फंड में दे दी और मैं और मेरे ये साथ रमेश जी हैं, सुरेश जी हैं, इन्होंने भी अपना जो राशन था मुफ्त राशन हमने गरीब जनता को यहाँ पे दिया। दिल्ली में जो थे हमारे दूसरे साथी जो भी हैं, हम तो 2 ही हैं यहाँ पे, तो दिल्ली में जो लोग हैं उन्होंने भी राशन जो है मुफ्त में अपने लोगों को, गरीबों को जो दूसरे बाहर के राज्यों से आए हुए हैं उनको उन्होंने राशन बांटा हमने। बाकी हमने सभा ने वो 31,000 रुपया लग जो इकट्ठा किया था मेंबरों से हमने, वो भी हमने पीएम फंड और सीएम फंड में वो कर दिया है। तो हमारा जो ध्येय मैंने जैसे बताया है यही है कि जनता की सेवा करना, एरिए का विकास करना और सरकार के साथ मिलकर के अपना जो भी योगदान देना है वो करना है, हमें यही हमारा ध्येय है। और सबको अभी हम आए थे यहाँ पे ज्वालामुखी में तो एसडीएम साहब अंकुश शर्मा जी और डीएसपी श्री तिलकराज जी, उनको हमने प्रस्तुति पत्र दिया है और वो भी बहुत खुश हुए। अब हम उनको सलाम करी है कि आपने जो काम यहाँ पे कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे उनके साथ जो एसोसिएशन रहेगी सभा की वो आलबेत रहेगी। उनको भी किसी चीज़ की कोई हमारी मदद की ज़रूरत हो तो ये JBS जो है ये उनका साथ देगी। हम आलवेज 24 घंटे हम इनके साथ रहेंगे, यही हमारी कामें हैं। और इसी के साथ हम आप सभी लोगों का, SDM साहब का भी और ये जो तहसीलदार साहब भी यहीं आने वाले हैं अभी, उनको भी हमने सम्मान करना है, सम्मानित करना है, तो उनको भी हम कहेंगे। और ये लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, ज्वालामुखी का जो एरिया है कंस्टिट्यूंसी है इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भगवान करे कि इनकी उम्र जो है बड़ी लंबी हो ताकि ये जनता की सेवा कर सके। इसी के साथ जो भी यहाँ पे लोग आए हैं मैं उनका सभी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।